इसको हम बाहर से देख के ही कंफर्म कर ले, वो मात्रा आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं कोई भी डायग्राम बना दूँ, जैसे मैं बना देता हूँ किडनीज का, चलो किडनीज का बना उसको बना देते हैं थोड़ा सा, तो याद आया किसी को क्या है, क्या है? वेरी गुड, सब पता चल गया हो, ठीक है। देखिए जब फेफड़ा मैंने बना दिया है, जब मैं फेफड़ा पढ़ाऊंगा, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो क्लासेस मेरी चल रही है उसमें एक टॉपिक है ह्यूमन ऑर्गन्स, ठीक है। क्या टॉपिक? ह्यूमन ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स में एक ही कॉर्गन जब पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो लंग्स है, ये ह्यूमन लंग्स में जब डिटेल्स पढ़ाऊंगा पार्ट बाय पार्ट, तब पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैं आपका एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इधर देखिए, ये मेन पाइप होते हुए कौन हो गया मेन पाइप, ये मेन पाइप दो पाइप में ब्रांच, दो ब्रांच में पड़ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आगे ढेर सारी पाइपें निकलती हैं, इनके लास्ट में कुछ गुच्छे नुमा संरचना पाई जाती है, समझ जाती है। देखो एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई के अंदर बैठा होता है एल्वियोलस, एल्वियोलस के अंदर बैठा होता है कार्बन। हम ओटू लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन लेते हैं, प्रोसेस बाहर होता है मेडिकल, अभी सिर्फ एग्जांपल की कोशिश करूंगा, ठीक है, समझ बात। हम ओटू लेते हैं, क्या लेते हैं ओटू, सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम जब सांस छोड़ते हैं एक्सहेलेशन करते हैं तो हम ओटू लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सहेलेशन जब करते हैं तो CO2 निकलती है, CO2। ये क्या चक्कर है भाई, सी गैस निकल जाता है, तो सी इसी का चक्कर है कि एल्वियोलस के अंदर एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर बैठा कार्बन, कार्बन के साथ जब ये मस्ती करने जाता है मिलने, ये उसी के सर पे बैठ जाता है, कहता मुझे बाहर जो मैं ऐसे प्रसाद उसको उठा दिया, तो बेचारा उसको डिजीज के लिए आता है, CO2 बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड करके इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका टोटल नंबर होता है 16, अगर कोई एक बार छोड़ दे छोड़ा नहीं रखा हो जाएगा, अगर कोई एक बार छोड़े तो 16 इलेक्ट्रॉन, समझो बात को, अगर कोई एक बार छोड़ता है तो समझो कि वो 16 इलेक्ट्रॉन में बारिश कर दिया, और इलेक्ट्रॉन बड़ी खतरनाक चीज होती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में लग गया ना तो बहुत बड़ी चोट परेशान हो जाती है, और एक बार तो अधिकतर 16 इलेक्ट्रॉन बार देते हैं, और कोई गलती से अगर 5 बार प्लास्टिक दिया तो समझिए बात, 16 × 5 = 80 इलेक्ट्रॉन से परमाणु हमारे बन गए, ये सब लफड़ा हो जाता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों से बच के रहिए, खासकर कार्बन से। ये कहाँ है ये देखिए, O2 हमारी जो होती है ना बहुत प्यारी गैस होती है, ऑक्सीजन दाय गैस है, लेकिन इसके साथ ये जो सी है ना, सी कार्बन, ये कार्बन जब इसके ऊपर चढ़ जाता है ना तो इसका रंग बदल जाता है, इसका स्वभाव बदल जाता है, इसका जो स्मेल होती है वो भी बदल जाती है, इसका रंग सब, इसकी स्मेल इतनी हार्ड कर देता है ऑक्सीजन की स्मेल कार्बन के, ये इतनी हार्ड हो जाती है कि आदमी इसको सह नहीं सकता। देख लेना कभी, कोशिश मत करना, बट अच्छा देखोगे लड़ाई हो जाती है, लड़के चल जाती है, ये सब गलत बात है। मेरे कहने का मतलब ये मेरा है कि मैं समझाना चाहता हूँ, दिस इज द लंग्स, हम लंग्स को मैं अभी अंदर से बता दिया, अंदर मुझे ना बताना चाहिए, मैं लंग्स को देखता हूँ बाहर से तो मुझे दिखाई देता है कि दो फेफड़े हमारे बॉडी में सिचुएटेड है नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, हमारे बॉडी में दो फेफड़े सिचुएटेड है, एक जो फेफड़ा होता है वो छोटा होता है, बाय छोटा यस यम एडम है स्मॉल, भैया ये हमारा जो बाया फेफड़ा होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, और ये बिगेस्ट BIGST बिगेस्ट होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। मैं काफी चीजें लिखवा देता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब छापे में नहीं, थोड़ा सा आपको अगर मेंटालिटी लेवल बढ़ जाए उसके लिए बता दूँ। देखिए ये बिगेस्ट होता है, अब कोई सोच सकता है क्या कि हमारा जो दाया वाला छोटा होता है, बाया वाला होता है वो छोटा ही क्यों होता है, कोई बता सकते क्या इसे, बाया ये वाला कितना क्यों छोटा होता है, ये वाला बड़ा क्यों होता है, दोनों बराबर क्यों होते हैं, नेचर ने हमारे साथ धोखा किया, ये कुछ छोटा क्यों बड़ा, कोई बता सकता है भाई, क्लास 11-12 तक पढ़ के निकले हो, क्लास 6 में ही पढ़ाया जाता है इसके बारे में, छठी तक कर ही जाता हो। देखिए ये जो छोटा होता है उसका रीजन होता है कि यहाँ पे हार्ट होता है, दिल होता है, समझो हमारा दिल यहाँ पर होता है इसलिए ये छोटा पाया जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिंदगी में, और देखिए कई लोगों को ये नहीं पता कि हमारे बॉडी के आर्गन कहाँ पे सिचुएटेड है। एक बार क्या हुआ था, वाक्य बता देता हूँ छोटा सा, एक सेकंड में, एक छोटा सा बच्चा था,
वो गया था डॉक्टर के पास दवा कराने, हम भी डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हमको ऑलरेडी मेडिसिन का ज्ञान बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या होता है कि हमने देखा कि बच्चा आया दवा करवाने, बच्चे ने कहा कि सर के हमारे अच्छा दवा, तो हम बैठे हमको अपने गाँव में वही लगा मोस्ट ऑफ, तो बाकी खाली नहीं गवर्नमेंट से खाली नहीं डिग्री नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस बच्चे को लगाया गया यहाँ, अब वो यहाँ का क्या लगा सच्ची बात, यहाँ पे बूम्स लगता है, ठीक है, आप समझ रहे हो, बूम्स लगता है 90 एंगल पे इंजेक्शन, डॉक्टर को ज्ञान नहीं था, उसने लगा दिया 45 पे लगा दिया, समझो बात, वो बेचारा 5 दिन पैरालाइज हो गया, 5 दिन के पैरालाइज हो गया। तो कई लोगों को आउटर सर्फेस का ही ज्ञान नहीं रहता, आउटर सर्फेस का, इनर सर्फेस की बात ही छोड़ो, इनर सर्फेस का तो जल्दी ज्ञान आदमी को होता नहीं। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरे भाई जी है कि मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मार्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहरी अध्ययन, ये बात समझे, लेकिन जब मैं ऑर्गन प्रॉब्लम से एक एक ऑर्गन को सीरियस लेके चलूं पर काम करूं, ठीक है, अभी मैं ऑर्गन में इसलिए बता रहा था कि एग्जांपल के बेस पे आ रहा था, ओके चलिए। देखिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है उसको उठाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को उठाने से पहले मैं सोचता हूँ कि मैं 3 पॉइंट आपको बता दूँ जो कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड नहीं है लेकिन आपकी जिंदगी से कनेक्टेड है और आपके सब्जेक्ट से कनेक्टेड है और नेक्स्ट आने वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे कनेक्टेड है। तो कई लोग बता दें इस पर, कई लोग कन्फ्यूजन में जीते रहते हैं, क्लियर कर दें, लेकिन कुछ लोगों को यही नहीं पता रहता कि हम लोग का हार्ट किधर रहता है। एक बार क्या बोलते हैं फर्स्ट जनवरी को हमने देखा उसमें कहा हार्ट नहीं मिला, अगर दिल इधर होता तो डर पड़ा, ठीक है, पहली बात तो उसको नॉलेज नहीं मिलेगा, दूसरी बात क्या होता है कुछ लोग कन्फ्यूजन दे रहे हैं कि दिल सेंटर में होता है, सेंटर में नहीं होता, ठीक है, हार्ट कभी सेंटर में नहीं होता, अगर हार्ट सेंटर में हो जाए तो उसका जो सर्जरी है ना वो कभी इम्पॉसिबल नहीं होगा, और इंडिया में हार्ट सर्जरी इम्पॉसिबल हो गई, उसका रीजन ये कि वो बायसेक्ट कर देता है, अगर बीच में पा जाएगा तो हमको स्टर्नम ये जो अभी स्केलेटल सिस्टम का चैप्टर पढ़ाया मैं पढ़ाऊंगा बाद में उसे बताऊंगा कि ये जो सामने बॉडी पेयर ऑफ टोल करें टोटल मार्केट 12 + 12 = 24, ठीक है, कितनी रिप्स हमारे सामने पाए जाती, कितनी बोन्स पाए जाती, यानी टोटल मार्केट सामने हड्डी हमारी कितनी पाए जाती है 24 पाए जाती है, तो 24 पाए जाती है हमारे पास साइड में, तो उनको ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं होती, अगर सेंटर में दिल होगा तो बड़ी लंबी चौड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको फिर दोनों साइड स्टर्नम को काटना पड़ेगा, अगर दोनों साइड पे स्टर्नम को काटना पड़ेगा ना तो दिल की सर्जरी तो हो जाएगी फिर आप पेशेंट नहीं बचेंगे, पिंजरा है दिक्कत हो जाएगी। तो पहली बात तो हमेशा याद रखना कि दिल बाएं साइड पाया जाता है, दाएं साइड नहीं पाया जाता सीधी साइड, ओके, क्वेश्चन आ जाते हैं लेफ्ट साइड पाया जाता है राइट साइड पाया जाता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट शुरू, दूसरा पॉइंट ये है कि कई लोग कंफ्यूजन में जीते हैं कि जिसके पास दिमाग होता है वही राजा होता है, ऐसा सोचते हो, ऐसा गलत बात है, सब अच्छी बात नहीं है, दिमाग सबके पास होता है, कुछ लोग कहते हैं सर इसके पास दिमाग ही नहीं, अबे मेरा दिमाग थोड़ा होता हो, मेरा दिमाग सबके पास होता है लेकिन जो ये कह रहा है उसके पास दिमाग नहीं है, समझ ली बात, उसका रीजन बता देता हूँ, डीएनए का नाम मेरे भाई सब लोगों ने सुना होगा, मैं वो बताने जा रहा हूँ जल्दी पीछे बताता नहीं, इसको सुनो, ये डीएनए का काम ना तो क्या होता है, डीएनए का काम होता है वर्क, कुछ नहीं लिखना सिर्फ सुनते रहो रामायण का, ये डीएनए का काम है, डीएनए का वर्क सुनो, इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने का काम करता है, आज के बाद दिमाग से गलती हटा दे सब लोग कि हमारा दिमाग ही ऐसी चीज है जिसमें सारी जानकारी ऐड हो जाती है, हम जो भी पढ़ते दिमाग में छप जाता है, ये सब बकवास है, ये सारी गलती दिमाग से निकाल दो, सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि जो जो भी आज तक आपने जाना है पढ़ा लिखा समझाया था पापा मम्मी को पहचाना है, यानी जब से पैदा हुए हैं और आज तक का जो भी डाटा आपके दिमाग में सेफ है, ये गली घर मिलाती है, ये दरवाजा है, ये बोर्ड है, इससे पढ़ाया जाता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर हो गई है, इस सारा का सारा डीएनए की वजह से होती है, डीएनए में ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दिमाग का ब्रेन डीआरएन ब्रेन का काम सिर्फ सप्लाई करना होता है, लेकिन टीचर भी ज्यादा यहाँ गलत पढ़ा देते हैं, टीचर भी यहाँ पे गलत पढ़ा देते हैं, यही दिक्कत हो जाती है बच्चों को, कंफ्यूज कर देते हैं, समझे, गलत बात है, ब्रेन का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने का है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम इसका है, किसी के गलती से भी 1 ग्राम डीएनए, ग्राम मतलब बताया था
अगर किसी ने गलती से एक ग्राम डीएनए काम करना शुरू कर देना तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी उसके खोपड़ी में आ जाएगी। यहाँ बैठे बैठे इधर देखिए, यहाँ खड़े खड़े हम बता देंगे कि मून में क्या चल रहा है, अर्थ में, अर्थ के साउथ इंडिया में क्या चल रहा है, यहाँ पे खड़े खड़े बता देंगे कब कौन सी हवाएं आने वाली हम सब बता देंगे। अगर आपको हमारे लिए काम करने स्टार्ट करते हैं तो कितने वन ग्राम की बात कर रहा हूँ, 100 की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, 100 की तो बात ही छोड़ो, 100 बहुत बड़ी चीज होगी, ठीक है, ओके। कुल मिलाकर ये सब चीजें होती है। पहले दूसरा पॉइंट है जो एज अ कैटेगरी में मत रहना, हमने हाँ दूसरा पॉइंट हमारे पास एक और पड़ा है, उस पॉइंट को भी डिस्कस कर देते हैं, इसके बाद सीधे अपने कॉन्सेप्ट पर घुस जाएंगे, इसके बाद सर की क्लास ले लेंगे, सर की हैंडल करते हैं, ठीक है। हाँ लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा कायदे से भी रखूंगा, हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज पाई पाई जाती है हमारे बॉडी के अंदर जिसको अगर पूरा निकाल दिया जाए, मैं इस सेल के बारे में दो पॉइंट बताया था, एक्चुअली हमारा टॉपिक सेल नहीं पढ़ाऊंगा बात पढ़ाऊँ, लेकिन सेल मैंने बताया कि अगर पूरी सेल मान लो उस लड़के की पूरी सेल लेकर भाग दे तो लड़के का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा लड़का सेल से निकलेगा ना, यानी पूरी बॉडी हमारी सेल से निकलेगा।